नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पासे पर आधारित प्रश्न सिखाने जा रहे हैं। पासा सबसे पहले समझते हैं कि पासा होता क्या है। बेटा, पासा एक वह आकृति होती है जो कि घनाकार होती है, अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। पासे में छह फलक होते हैं जिनको हम सतह कहते हैं। जो एक पासा होता है उसमें आठ कोने होते हैं तथा इस पासे में बेटा बारह किनारे होते हैं। पासा दो प्रकार का होता है। एक पासा होता है मानक पासा और एक पासा होता है जिसे हम कहते हैं साधारण। मानक पासा वह होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग सात होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये पासा मानक पासा है? तो मानक पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग सात होता है, अर्थात यदि ऊपर छह है तो नीचे एक होगा, यदि सामने की सतह पर पांच है तो पीछे की सतह पर दो होगा, यदि दाएं सतह पर चार है तो बाएं सतह पर तीन होगा। जो इस नियम को फॉलो करेगा वो मानक पासा। पासे में एक बार में विपरीत सतह दिखाई नहीं देती है, जैसे मानक पासा है तो अगर छह दिखाई देगा तो एक दिखाई नहीं देगा, यदि चार दिखाई देगा तो तीन दिखाई नहीं देगा, यदि पांच दिखाई देगा तो दो दिखाई नहीं देगा। पासा मानक हो या साधारण हो, यह नियम सभी पर लागू होता है कि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। अब आप देखिए, पासा है, जब भी कभी पासे का प्रश्न आए तो सबसे पहले यह पहचानिए कि वह पासा मानक है या साधारण है। मानक होगा तो मानक के नियम का पालन करेगा, अर्थात जब पांच दिखाई देगा तो दो दिखाई नहीं देगा, जब चार दिखाई देगा तो तीन दिखाई नहीं देगा, और इसमें तो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये पासा साधारण पासा है। ठीक है, तो साधारण पासा है तो साधारण पासे के नियम से हल होगा। अब देखिए, ऊपर दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित यानी बाईं ओर या आपका बाया पश्चिम का बाया होता है, बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो ये पूछना चाहता है कि बाईं ओर का पासा है इसके निचली सतह पर अर्थात एक के विपरीत क्या होगा? तो देखो, जब भी ऐसा पासा आए जिसमें एक सतह कॉमन हो, जैसे इस पासे की एक पासे की दो स्थितियां हैं और इनमें एक सतह कॉमन है, कौन सी सतह कॉमन है? दो। तो ऐसी स्थिति में कि जब एक पासे की दो स्थितियां हो और उनमें कोई एक सतह कॉमन हो, तो ऐसी स्थिति में उस कॉमन सतह से हम पासे को दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जैसे दो, तो दो के बाद एक लिखना, एक के बाद पांच लिखना, इस दो के नीचे ये वाले दो लिखना और इसके बाद चार लिखना और इसके बाद तीन लिखना। तो आपने देखा, एक के विपरीत पूछा है तो एक के विपरीत आंसर क्या आएगा? चार। तो इस प्रश्न का आंसर चार आ जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब तीन बिंदु नीचे हो तो ऊपर क्या होगा? अब आप ये देखिए, ये भी पासा साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि पांच और दो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन जब आए कि अगर आपको कोई भी पासे में दो सतह एक जैसी दिखाई दे, तो जब देखिए, जब दो सतह समान दिखाई दे तब जो विपरीत सतह होती है, तब जो असमान सतह होंगी वो विपरीत होंगी, तब असमान सतह विपरीत सतह होती है। तो जो असमान सतह होती है बेटा वो विपरीत होती है। जैसे इसमें पांच और दो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो तीन के विपरीत क्या होगा? चार। इसके विपरीत पूछा है तीन के विपरीत, तो इसका आंसर क्या कहेंगे? चार। तो देखा आपने कि जब दो सतह समान दिखाई दे तो जो असमान सतह होंगी वो आपस में विपरीत होंगी, क्योंकि पासे में एक बार में कागज पर तीन ही सतह दिखाई देती है। तो ये था नियम नंबर दो। अगले प्रश्न को देखिए कि ऊपर एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है, घन या पासा, प्रतीक चिन्ह इस जैव विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा? तो आप देख रहे हैं कि ये पासा तो साधारण ही होगा। तो जब कभी ऐसा हो कि जिसमें एक सतह कॉमन हो, तो आपको बताया था कि एक सतह कॉमन हो तो उसको क्या करोगे? आप उस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घुमा दोगे, उस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घुमा दोगे। तो देखिए, यहाँ एट द रेट के बाद ये आपका ये चिन्ह और इसके बाद ये डेरल का चिन्ह। एट द रेट के नीचे एट द रेट लिख देंगे, अल्फा है, और इसके नीचे आया आपका थीटा, ये थीटा लिख दिया, और उसके बाद ये बीटा।
तो इसके विपरीत पूछा ना, तो इसके विपरीत क्या है? बीटा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी यानी बीटा। अगला प्रश्न देखिए, इस स्लाइड में आपको 10 से अधिक प्रश्न कराएंगे और अपेक्षा है कि इस तरह के प्रश्न जो आएंगे उन सभी प्रश्नों को हमने समावेश किया जो आजकल प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तीन के विपरीत सत्य क्या होगा? तो अभी आपने एक बात देखी कि कागज पर एक बार में तीन सत्य दिखाई देती है। अब दूसरी बात समझिए कि जो आप विपरीत सतह होती है वो आपस में दिखाई नहीं देती है, अर्थात जो सतह विपरीत होंगी वो आपस में एक साथ दिखाई नहीं देंगी। यहाँ किसके विपरीत पूछा है? तीन के विपरीत। तो ये बात हम जानते हैं कि जो सतह तीन के साथ दिखाई देंगी वो आपस में विपरीत नहीं होंगी। तो तीन के साथ है एक और दो दिखाई दे रहा है तो एक विपरीत नहीं होगा। तीन के साथ एक और पांच दिखाई दे रहा है तो एक भी विपरीत नहीं होगा, पांच भी नहीं देगा। यहाँ तीन के साथ दो और चार दिखाई दे रहा है तो चार भी विपरीत नहीं होगा। तो तीन के साथ छह दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तीन के विपरीत छह होगा, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। और जो सतह विपरीत होती है वो एक साथ दिखाई नहीं देती है, और जो एक साथ दिखाई देती है वो विपरीत नहीं होती है। इसका आंसर छह आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक पासे के छह फलकों के नाम क्रमशः वाई आर बी आई पी जे है, जिन्हें देखकर बताएं कि आर के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। अभी आपको बताया था हमने कि जो सतह एक साथ दिखाई देती है वो आपस में विपरीत नहीं होती है, अर्थात आर के साथ यहाँ पी और बी दिखाई दे रहा है तो पी भी विपरीत नहीं होगा, बी भी विपरीत नहीं होगा। आर के साथ जे और वाई दिखाई दे रहा है तो वाई विपरीत नहीं होगा। तो आर के साथ आई दिखाई नहीं दे रहा है तो आर की विपरीत सतह क्या होगी? आपकी आई होगी। अगला प्रश्न देखिए कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। पांच दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या क्या है? अब पांच के साथ ना तो तीन होगा ना चार होगा, तो तीन भी विपरीत नहीं होगा। पांच के साथ दिखाई दे रहा है तीन और दो, तो ये विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि साथ दिखाई दे रहे हैं तो दो नहीं होगा। पांच के साथ दो और एक दिखाई दे रहा है तो ना दो विपरीत होगा ना एक विपरीत होगा। तो पांच के विपरीत कौन सी संख्या होगी? यहाँ छह, क्योंकि जो पांच के साथ दिखाई देगा वो पांच के विपरीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न देखिए कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, आकृति एक से तीन तक। छह वाले फलक की विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात की। अब छह के विपरीत चाहते हैं तो देखिएगा, अब जब छह यहां नहीं है तो ऐसी स्थिति में तुलना जब करते हैं तो एक बार में दो पासे की करते हैं। अब यहां देख रहे हैं क्या कॉमन है? पांच और तीन कॉमन है। तो आपको अभी बताया था कि जो सतह कॉमन होगी, दो सतह अगर कॉमन होगी तो जो आपस में असमान सतह होंगी वो विपरीत होंगी। तो चार के विपरीत क्या होगा? दो होगा। तो चार के विपरीत यहां दो हो जाएगा। अच्छा, हमसे पूछा क्या है? छह के विपरीत, तो इनमें से तो हाथ नहीं आया। अब हम इन दोनों को कॉमन देखते हैं। इनमें क्या कॉमन है? दो और पांच, दो और पांच। तो तीन और एक आपस में अनकॉमन है, तो तीन के विपरीत क्या होगा? एक, और एक के विपरीत क्या होगा? तीन। अब आप देखिए क्या रह गया? छह। तो अब छह के विपरीत एक से लेकर छह तक गिनती है, तो छह के विपरीत अब क्या रह जाता है? एक, दो, तीन, चार। तो पांच के विपरीत क्या हो जाएगा? छह। तो इस तरह से किसके विपरीत पूछा? छह के विपरीत। तो छह के विपरीत क्या आ जाएगा आंसर बेटा? पांच। ओके। और अगर अगला प्रश्न देखिए, एक पासे के विभिन्न फलकों पर छह अक्षर टी पी के जी आर और क्यू लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां आकृति में दर्शाई गई हैं। के विपरीत क्या होगा? अब अभी आपको बताया था कि यदि किसी एक पासे में दो स्थितियां समान दिखाई दे तो समान स्थितियों से पासे को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो देखिए जैसे टी जी और क्यू क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, टी आर के। अब किसके विपरीत पूछा गया? के विपरीत। तो के विपरीत क्या आ गया? इस प्रश्न का उत्तर यू आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात है। क्या दर्शाने वाले? दो दर्शाने वाले। अब आप देख रहे हैं कि दो के साथ जो दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर पूछ रहा है हमसे, तो इसका तात्पर्य है कि जो दो के साथ दिखाई देगा वो दो के विपरीत नहीं होगा। दो के साथ छह और तीन दिखाई दे रहा है तो छह भी विपरीत नहीं होगा, तीन भी विपरीत नहीं होगा। दो के साथ तीन और पांच दिखाई दे रहा है, तीन विपरीत नहीं होगा। दो के साथ क्या विपरीत नहीं होगा? तो अब आपने देखा कि ये नियम यहाँ लागू नहीं हुआ, क्योंकि दो के विपरीत एक और चार दो के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। तब यहाँ पर क्या करेंगे? दूसरा नियम लगाएंगे कि अगर दो सतह एक साथ दिखाई दे रही है
तो जो अनकॉमन सतह होंगी वो आपस में विपरीत होंगी, यानी 6 के विपरीत क्या होगा बेटा 5 होगा। अब इन दोनों की तुलना करो, यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 5 और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपस में क्या विपरीत होंगे 2 और 4, तो 2 के विपरीत क्या होगा 4, 4 के विपरीत क्या होगा 2, अब रह क्या गया हमारे पास 1 और क्या रह गया 3, तो 1 और 3 आपस में विपरीत होंगे। तो यहाँ पूछा क्या है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत आंसर क्या आ जाएगा 4, तो इस प्रश्न से इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो 4।